ओके गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हनले एंड सॉरी फॉर माय बैड थ्रोट, क्योंकि सुबह तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी. बाइक मैंने कोल्ड स्टार्ट कर करने रख दी है एंड आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन बैक, क्योंकि आज उमलिंगला जाना है, देमचौक जाना है एंड रिटर्न करना है. सो इट इज़ जस्ट द कैमरा बैग विथ मी. सुबह जब मैं उठा, कल रात को हालत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि आवाज़ ही नहीं निकल रही थी एंड सुबह जब मैं उठा मुझे लग नहीं रहा था कि आज ये जो उमलिंगला है वो मैं कर पाऊँगा. बट धीरे धीरे गर्म पानी पी के, चाय वाय पी के, इट इज़ बेटर नाउ, एटलीस्ट आवाज़ निकल रही है. सो आई एम फुली ड्रेस्ड, तीन लेयर पहने मैंने क्योंकि उमलिंगला के टॉप में काफ़ी ठंडी है जो इधर मैंने सुना. सो चलिए लेट्स हिट द रोड, डायरेक्टली बाइक पर बैठते हैं और निकलते हैं एंड आज आपको ये थोड़ा जो ख़राब आवाज़ है उसके साथ डील करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली. चलिए लेट्स हिट द रोड. बाय द वे अभी हो रहा है 9:40 AM, थोड़ा सा लेट हो गया बट आई एम फ्रेश नाउ एंड सारी चीज़ें जो है सब मैंने पैक वैक करके जो भी रिक्वायर्ड है डबल लेयर वगैरह पहन के देन आई एम रेडी. चलिए लेट्स हिट द रोड. सो ये जो आपको राइट में जगह दिख रही है ना, सो बेसिकली यहाँ पे चेक पोस्ट है जहाँ पे जो भी हानले एंटर करता है उनका सारा जो डिटेल्स है, परमिट है, वो चेक होता है. और ये जो राइट पे आपको जगह दिख रही है, देयर इज अ अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस, वहाँ पे आपको मिल जाता है पेट्रोल, जस्ट चेक पोस्ट के बाजू में ही है. तो कल मैंने यहीं से मेरा टैंक पूरा फुल करवाया, ज़्यादा तो नहीं लगा, इट्स हार्डली 2 लीटर का पेट्रोल गया. सो देयर आर टू रोड्स, दो रास्ते जाते हैं टूवर्ड्स उमलिंगला, एक है कच्चा पक्का रोड और दूसरा है फोतुला या फोतिला पास होके, वेर आई एम गोइंग, आई एम टेकिंग द गुड रोड. और वो रोड से ये पूरा जो पहाड़ आपको सामने दिख रहा है ना, ये पूरा पहाड़ आपको चढ़ के वहाँ पे कहीं पे है उमलिंगला एट द टॉप एंड उसको नीचे उतरने के बाद देर इज देमचौक. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. बट खूबसूरती तो हानले में भर भर के है. ये जो हानले वाला एरिया है ना, बाकी लद्दाख से काफ़ी अलग है दिखने में, बहुत अलग दिखता है. सो आज मैंने खाली मेरा कैमरा बैग कैरी किया है एंड इट फील सो लाइट. यहाँ पे कैटल्स बहुत है, मैंने देखे हैं ये पूरे हानले वाले रीजन में कैटल्स बहुत दिखेंगे आपको. ब्रो अपना काम कर रही है रास्ते बनाने का. ये एक आया पुल और एक पुल वहाँ पे है दूर, आपको दिखाई दे रहा है तो पता नहीं, वहाँ पे एक दूर पुल है और वहाँ पे मॉनेस्ट्री है, हानले मॉनेस्ट्री. अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जाने की कोशिश करूँगा आज, नहीं तो नेक्स्ट टाइम. ओके सो ये मॉनेस्ट्री आ गया सामने, एकदम पहाड़ के ऊपर सीधी चढ़ाई है. बट आई थिंक गाड़ियाँ तो ऑब्वियसली जाती होंगी, नहीं तो इतना रोज़ चढ़ना उतरना मुश्किल है. और ये आ गया दूसरा पुल जहाँ से हम लेंगे राइट, और राइट लेने के बाद वी विल गो टूवर्ड्स फोतुला या फोतिला पास, जो भी है वहाँ पे बोर्ड है, आई विल जस्ट स्टॉप देयर. ये मोस्टली मॉनेस्ट्री जाने का रूट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ये मॉनेस्ट्री जाने का रूट है. वी आर नॉट टेकिंग दिस पुल, लेकिन अगर ये लिया तो सीधा मॉनेस्ट्री ऊपर. और ये देखिए आ गया यहाँ पे बोर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है ले न्योमा लेफ्ट, लोमा 50 किलोमीटर यहाँ से, चुमर हानले इधर, एंड यहाँ से ये है फोतिले, फोतिला, फोतिले, जुले. सो इट इज़ 92 किलोमीटर उमलिंगला टॉप. और ये हम चल पड़े हैं उमलिंगला के रास्ते. सो हमने चढ़ाई शुरू कर दी है एंड रास्ता काफ़ी कर्वी है, मतलब जो जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ वहाँ पे जो अंकल है वो भी वही बोल रहे थे कि कॉर्नर्स इतने मिलेंगे आपको, बहुत संभाल के जाना, एंड मोस्ट ऑफ दी जगह पे कॉर्नर्स में मिट्टी पड़ी हुई रहती है क्योंकि ये सब बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह जाते हैं, तो वो जब जाते हैं थोड़ी सी मिट्टी उड़ती है, तो कॉर्नर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे. और ये पूरा खाली मैदान, अब तक मुझे एक भी बंदा मेरे साथ जाते हुए या मुझे ओवरटेक करते हुए नहीं दिखा. सो आई एम नॉट श्योर, लेकिन सामने से 2-3 गाड़ियाँ आई हैं, 1-2 बाइकर भी आए हैं. सो मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने कभी शुरू की थी अपनी जर्नी. वो ऊपर मुझे रास्ता दिख रहा है, उधर रास्ते देखिए, रास्ते बहुत ही ज़्यादा घुमावदार है, मतलब आप स्पीड मेंटेन ही नहीं कर सकते, थोड़ा सा जाएगा उसके बाद आप तुरंत आपको ब्रेक मारना पड़ेगा. आई विल शो इट टू यू यहाँ पे रुक के. ये देखिए रास्ते का हाल, ये देखिए मैं वो नीचे से आया, लेट मी ऑफ द बाइक. ओके मैं वो नीचे से आया वहाँ से और देखिए कंटिन्यूस घूम घूम के रास्ता चढ़ रहा है ऐसे. सो यू नीड टू बी वेरी जेंटल ऑन द कर्व्स, जैसा कि ब्रो लिखता है. ये देखिए रास्ते, रोड कंडीशन इज़ वेरी गुड, उसमें कोई इशू नहीं है, बट रास्ते बहुत ही कर्वी रास्ते हैं. मैंने चांगला पास किया है, खारदुंगला किया है, बट उमलिंगला का रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा कर्वी है.
रास्ते इतने घुमा घुमा के है, यहाँ पे काफ़ी सारे जगहों पे शॉर्टकट्स हैं, पर ये बाइक लेके बस ये सब शॉर्टकट बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करूँगा। एंड ब्रो देखिए, ब्रो के जो काम वाले हैं सब यहाँ पे काम कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम, वीरता ही शूरवीरता, सही बात है। हाइट में काफ़ी हाइट, क्योंकि 15,400 फीट पे हानले था, उससे भी अभी मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ और वो हाइट फील हो रही है प्रॉपरली। इधर आने के लिए आपको एक्लेमेटाइज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए सामने के रास्ते, वो वहाँ पे जो ब्रोके वर्कर्स काम कर रहे थे वो उधर है, एंड इतना घूम घूम के रास्ता है। अमेजिंग थिंग इज इतने ऊपर भी यहाँ पे वेजिटेशन है, जब हम खारदुंगा चढ़ते हैं ना वेजिटेशन कब का ख़त्म हो जाता है, बट इधर इतने ऊपर भी वेजिटेशन दिख रहा है। ब्रो क्रिएट्स कनेक्ट एंड केयर। अरे यार मेरा गला खराब हो गया, रहा बैंड बज गई है। देखिए ये पूरा एरिया है इतना ऊपर, इट माइट बी अराउंड 17,000 फीट, लेकिन यहाँ पे फिर भी वेजिटेशन है, तो कमाल की बात है। फोतिले इज जस्ट 41 किलोमीटर। ये एक शॉर्टकट है जो लोग लेते हैं, बट हम नहीं विद दिस बाइक एंड द टायर कंडीशन। ये देखिए इधर एक ट्रक खड़ा है, इतने टाइम में मुझे एक गाड़ी दिखी जो सेम डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा दिस इज आर्मी ट्रक, ओके शायद से खराब होके पड़ी हुई है। हम बस चढ़े जा रहे चढ़े जा रहे चढ़े जा रहे। फुतिले इज समर अराउंड 39 किलोमीटर, और वहाँ से उमलिंगला वुड बी समर अराउंड अनदर 30 odd किलोमीटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लुक एट दिस व्यू, ओहो हो। हालने वहीं पे कहीं पे, हालने यहाँ से दिख भी नहीं रहा, बट लुक एट दिस व्यू। वन वेरी गुड थिंग इज कि आज वेदर एकदम क्लियर है, एकदम साफ आसमान, बट जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ ना ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आई कैन फील दैट आफ्टर वेयरिंग 3 लेयर्स। अभी तक फुतिले इज अराउंड 43 किलोमीटर, और ये देखिए रास्ते जो मैं अभी तक क्रॉस करके आया हूँ टूवर्ड्स उमलिंगला। सॉरी फॉर माई बैड थ्रोट अगेन। नाउ जस्ट लुक एट दिस व्यू, वाह 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 वाह, कितने ऊँचे आ गए यार। वहाँ पे सिर्फ मुझे स्नो वाले माउंटेन्स दिख रहे हैं, द होल माउंटेन रेंज इज स्नो फील्ड। यहाँ पे भी है बर्फ़ वाले पहाड़, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, उसके पीछे भी है। यहाँ पे भी नेटवर्क लग रहा है, दैट्स द सरप्राइजिंग थिंग कि इतने ऊँचे आने के बाद भी यहाँ पे नेटवर्क लग रहा है। बाइक अभी सेकेंड गियर में भी ठीक से चढ़ नहीं रही है बिकॉज ऑफ द हाइट, बट स्टिल इट्स ओके। फर्स्ट एंड सेकेंड गियर करके चढ़ाए जा रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे। ये बाइक का जो टॉर्क है ना, आई रियली लव्ड इट। वो देखिए नीचे रोड, वहाँ से आए हम, ठंडी नेक्स्ट लेवल है भाई, ठंडी नेक्स्ट लेवल है, खतरनाक वाली ठंडी लग रही है अभी आफ्टर वेयरिंग सो मेनी लेयर्स। कर्व्स तो इतने हैं और इतने क्विक कर्व्स है ना, देखिए किधर आ गए हम, सारे ऊँचे ऊँचे पहाड़ अभी नीचे दिख रहे हैं, हम इतने ऊपर आ गए। फोतिले इज स्टिल 32 किलोमीटर्स, और वो देखिए रोड दिख रहा है मुझे वो ऊपर तक, और कितना ऊपर लेके जाओगे भाई। व्यू, वी आर ऑलमोस्ट एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन, काफ़ी ऊपर आ गए यार, बहुत ऊपर। देखिए सामने के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना वो भी अभी नीचे लगने लगे। एंड ये कौन सा बोर्ड आया ठीक से पता नहीं चल रहा है। ओके दिस इज हिमांग फोतुला, लेट मी ऑफ द बाइक, हिमांग फोतुला 750। ये बोर्ड काफ़ी हद तक मिट चुका है। चलिए अभी चलते हैं सीधा, आते वक्त अगर डेफिनेटली टाइम मिला तो देन वी विल स्टॉप, बट वी आर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, जहाँ तक रोड जा सकता है वी आर हियर। ऑक्सीजन बहुत कम हो चुका है, आई कैन फील दैट। भोले बाबा की जय। वो सब जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है अभी नीचे दिख रहे हैं, देखिए। ओके फोतिला 18,124 फीट, सो वी आर अबव 18,124 फीट फ्रॉम सी लेवल। अभी क्या फिर से नीचे उतर रहा, क्योंकि नीचे रोड्स दिख रहे हैं मुझे। बहुत ऊंचाई पे है यार ये 18,124।
अब बज रहे हैं सुबह के 10:48 AM। टॉप पे पहुंचने के बाद वी आर नाउ डिक्लाइनिंग, तो शायद से इसके बाद फुतिला गाँव आएगा, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये एरिया मैं पहली बार कवर कर रहा हूँ। बट आई कैन सी द रोड्स, ये सारा जो रास्ता है वो नीचे 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 जा रहा है, बहुत ऊंचा है यार, 18,124। ओहो, और ठंडी तो नेक्स्ट लेवल है भाई साहब, ठंडी इज नेक्स्ट लेवल। द ओनली गुड पार्ट इज सन, जो सूरज है और जो आसमान है एकदम साफ है, दैट्स द बेस्ट थिंग। ओके जी, सो ये ब्रिज दिखा, पुल दिखा, तो मैं रुक गया थोड़ी देर। इर्द गिर्द एक गाड़ियाँ नहीं है मेरे, अभी तक तो एक गाड़ियों का मेरा आवाज़ तक नहीं पहुँच रहा है, तो पता नहीं ये पूरे रास्ते में शायद मैं अकेले चल रहा हूँ अभी। हाथ हाथ की हालत देखिए, इट इज़ ठंडी के वजह से ये पूरे उंगलियाँ मेरी सिकुड़ गई है, आफ्टर वेयरिंग सच अ गुड ग्लव, आफ्टर वेयरिंग सच अ गुड ग्लव हाथ की हालत हो रही है। बट एनी वेज, फुतुला टॉप पे इतनी ज़्यादा ठंडी थी, इतनी ज़्यादा, जो कि ऑलमोस्ट हर पास का वही स्टोरी है। सो वहाँ पे मैं ज़्यादा देर रुका नहीं, बिकॉज वो ठंडी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, एंड ऑल्सो ड्यू टू दिस बैड थ्रोट, तो बाइक को भी थोड़ा मैंने खड़ा कर दिया, थोड़ा रेस्ट, चलते हैं अभी आगे। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे सोचना पड़ेगा वेदर आई कैन डू देवचौक या फिर से उबलिंगला करके आई विल बी बैक, लेट्स सी। ये पुल को क्रॉस करते हैं, छोटा सा पुल है, ये सब पुल को ना क्रॉस करते हुए डर बहुत लगता है, टूट रहा है। यार रास्ता है कि खत्म ही नहीं हो रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, पता नहीं कोई बोर्ड वोर्ड भी नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। आई जस्ट क्रॉस्ड वन बाइकर और उसके बाद एक फैमिली कर्नाटका की एक गाड़ी थी, ये पूरे रास्ते में अब तक मुझे खाली ये बाइक और एक कार दिखी है, लेकिन रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। आई कैन सी रोड्स डाउन बिलो, ठंडी अभी काफ़ी हद तक मैनेजेबल है अगेन, क्योंकि मैं काफ़ी नीचे आ गया हूँ। टाइम हो रहा है 11:25 AM, देखते हैं 4 बजे तक आई एम प्लानिंग टू गो बैक टू हानले, नहीं तो ठंडी अनबेरेबल हो जाएगी। अगर दिन के धूप में ये हाल है तो रात को शाम को तो बैंड बज जाएगी, बट ब्यूटी इज़ नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल है वो। मुझे उधर नीचे एक ट्रक आती हुई दिख रही है, कुछ चाय वाय मेरी तो पीते हैं देन फिर आगे चलते हैं। ये जितना किलोमीटर मैं उतरा हूँ ना, वो देखिए वो है फुतुला टॉप, और अभी जितना मैं नीचे आया हूँ इतना मुझे फिर से रिटर्न जाते वक्त चढ़ना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ द रूट बैक टू हानले। सो ये एक चैलेंज होगा, क्योंकि काफ़ी डिसेंट किया है मैंने, एंड वापस जाते वक्त ये पूरा ऐसा रूट मुझे चढ़ना पड़ेगा। एनीवेज बहुत आराम आराम से जा रहा हूँ मैं, नो हरी। रोड बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा रोड बनाया है बीआरओ ने, अनडाउटेडली बहुत ही खूबसूरत रोड है। एक जगह पे एक दो छोटे छोटे पैच छोड़ के बाकी पूरा रोड ऐसा सपाट प्लेन है। गला ख़राब होने की वजह से आई एम हार्डली एबल टू स्पीक। ओके, सो यहाँ पे आ गया एक बोर्ड, फुतिला टॉप 27.5 किलोमीटर जो आप क्रॉस कराए, हानले इज 55, दैट इज़ ऑल्सो ओके। ये जो रास्ते से आए दैट वॉज हानले एंड चिशुमले, और उमलिंगला भी उधर ही दिखा रहा है, लेट्स सी, need to check Umlingla, I think this way, yes Umlingla is this way, Hanle yahan se hai na, acha kitna dur hai distance aur pura chadhai, acha road theek hai na, chalo thank you, okay so point clarified, so yahan se hum ja rahe hai Nurbula top 26, Chishumle is 12 and Zursar is 65, okay Koyul is 15, Koyul to ekdam border hai, anyways chaliye hum wo upar se hai, wo upar chaliye, we have time so we'll complete it,
लेकिन चैलेंज यही होगा, एक तो उमलिंगला पास की ठंडी और बाद में ये फुतिला पास की ठंडी, दोनों ठंडी जान ले रही। भाई साहब ये ब्रिज तो काफ़ी डरावना है, बहुत ऊंचा है और एकदम पतला, लेकिन ये देखिए नदी क्या सुंदर सी बह रही है नदी, बहुत ऊंचा ब्रिज है यार। इसके बाद आएगा चिशुमले, चिशुमले समवेयर अराउंड 10 किलोमीटर। ये भले ही 92-95 किलोमीटर लगे बट इसको क्रॉस कर रहा चिशुमले इस 10 किलोमीटर, या इसको क्रॉस कर रहा उमलिंगला इस 35, सो वी आर 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। ठीक है, चिशुमले तक तो ऐसे ही फ्लैट लैंड है, उसके बाद 25 किलोमीटर की चढ़ाई है, उसके बाद अराउंड 20 किलोमीटर इज डेमचौक। लेट्स सी, अभी बज रहे हैं 11:40 इन द मॉर्निंग। यहाँ पे डेफिनेटली स्नोफॉल तगड़ा होता रहेगा क्योंकि अभी तक स्नोफॉल की शुरुआत भी नहीं हुई है और ये पहाड़ पूरे स्नो से ढके हुए हैं, तो दिसंबर जनवरी में पता नहीं क्या हाल होगा यहाँ का, पूरा रूखा सूखा पहाड़ है, देयर इज एब्सोल्युटली नो वेजिटेशन, जो भी घास पत्तियाँ हैं वो सब नीचे है। आगे एक ट्रक जा रही है ज़बरदस्त धुआं उड़ा के, बिकॉज ये पूरा चढ़ा रहा पड़ रहा है, दिस इज वेरी हाई ऑल्टीट्यूड यार, वेरी हाई। उस ट्रक का धुआं अभी मेरे नाक में घुस रहा है। ओके जी, तो चिशुमले क्रॉस किया, चिशुमले क्रॉस करने के बाद तुरंत उमलिंगला का बोर्ड लगता है और अगर राइट से लिया तो ये जाता है नूरबुला टॉप। नूरबुला टॉप तो हमको जाना नहीं है, विल गो टूवर्ड्स उमलिंगला। एक आर्मी की ट्रक जा रही है कब से, उसकी वजह से मैं ओवरटेक नहीं कर पा रहा हूँ, आई होप आई कैन डू इट नाउ। सर जी रास्ता ठीक है? ठीक है, ओके थैंक यू। सो दे आर आई मोस्टली कपल्स जो पूरा सामान लेके कहाँ से आ रहे हैं मुझे समझा नहीं, दे माइट हैव स्टेड समवेयर नियर। सो एनीवेज फाइनली जाके मुझे बाइकर्स दिखे एंड ये है आगे के नज़ारे। अभी चढ़ाई शुरू होगी उमलिंगला की अराउंड 20 किलोमीटर्स, नॉट 25 किलोमीटर, चिशुमले से उमलिंगला इज 25 किलोमीटर्स। सो 25 किलोमीटर्स चढ़ने में लगेंगे करीबन करीबन 1 घंटे। अभी बज रहे हैं 11:59, सो बाई 1 o'clock आई थिंक आई विल बी एट उमलिंगला टॉप। लेट्स सी, और अभी दूसरा और एक चीज़ होने वाला है, दैट इज़ बढ़ने वाली है ठंडी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्या व्यू है और क्या रोड बना के रखे हैं, एक कट्टा नहीं है रोड पे, जबरदस्त जबरदस्त। आई कैन सी द रोड्स गोइंग अप देयर, एकदम ऊपर जा रहा है रोड्स, क्या व्यू है यार, वाह सुपर सुपर। क्लीन ब्लू स्काई और उसके साथ ये बेज कलर का कॉम्बिनेशन, अफलातून व्यू देखिए, व्यू गजब सुंदर व्यू है। उप्स, ये रास्ते में पहला गड्ढा आया एंड वेरी बैड प्लेस। ड्राइव डोंट फ्लाई, यस सुपर्ब एरिया यार, सुपर्ब एरिया। फोतिला पास जो था टू क्लाइम दैट इट वॉज मोर टफर, उमलिंगला का क्लाइंब इज नॉट दैट टफ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्व्स थे, यहाँ पे उतने कर्व्स नहीं है, देयर आर स्टिल इवन स्ट्रेट रोड्स। एक बार ऐसा स्किड किया ना, ना आई एम वेरी कॉशियस कि भाई गिरना नहीं है, उठाने के लिए कोई नहीं मिलेगा, बट व्यू सारे पैसे व्यूज के हैं। तो दीज टू बाइक्स आर फ्रॉम केरला, ये लोग केरला से आ रहे हैं राइड करके।
शायद से शिप करके देन राइड करके ऐसा कुछ किया होगा. जस्ट लुक एट द व्यू, सुपर्ब. ये जो कॉर्नर्स में जो थोड़ी सी मिट्टी है ना, ये स्किड करवा रही है बाइक को. फाइनली बर्फ दिखना शुरू हो गया है. इट्स स्नोइंग ओवर द टॉप. आई थिंक जो टॉप है वहाँ पे हमको बर्फ मिलेगा, बिकॉज ये देखिए, आई थिंक दैट इज उमलिंगला टॉप. वो मुझे यहाँ से दिख रहा है उमलिंगला टॉप, पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं, बट दैट इज द टॉप. एंड इर्द गिर्द स्नो ही स्नो है. फाइनली अभी जाके बहुत सारे लोग दिख रहे हैं. आई थॉट आई वॉज ऑल अलोन. ठंडी बहुत ज्यादा यार, बहुत ही ज्यादा ठंडी है. लुक एट दिस व्यू भाई साहब, कहाँ पहुंच गए हम. जस्ट लुक एट दिस, वी आर एट द टॉप of the world with motorable pass. Gazab, gazab. So we are just 1 kilometer away to reach Umlingla, 1000 meter. Just 0.5 kilometer away from the Umlingla top. जबान हटक जा रही है, इतनी ठंडी है यहाँ पे. बैड रोड. और हमारा तिरंगा लहराता हुआ विथ ऑल द प्राइड. कहाँ पहुँच गए यार, कहाँ पहुँच गए हम. गजब, बहुत ही सुंदर. So we have reached the top of the world, the top of motorable road. Salute to my nation. चलिए यहाँ पे पार्क करते हैं. Finally. We are at the top. feet, Umlingla top. Okay guys, so we are at the Umlingla top, tough and free, and कर दिया, ये भी कर दिया, Umlingla top भी done, solo Umlingla top done. वहाँ पे actually helmet खोलने का भी मन नहीं कर रहा, ठंडी इतनी ज़्यादा है, and there are a lot of people over here. Umlingla का boat क्यों है, थोड़ा सा खाली हो जाएगा, then I'll go. But at present, let's roam around this place. अगर बहुत ज़्यादा विंड आ रहा है तो सॉरी फॉर दैट. ये यहाँ पे है हिमांग हट, एंड ऑक्सीजन इज अवेलेबल. अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है सो ऑक्सीजन इज अवेलेबल ओवर हियर. सो मैं हेलमेट वगैरह भी नहीं खोल रहा हूँ बिकॉज ठंडी इतनी ज़्यादा है, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग विद अ बैड थ्रोट. आई ट्राई डेम चौक, आई एम नॉट गोइंग डेम चौक, आई विल रिटर्न. बिकॉज रास्ता काफ़ी टफ है, एंड अगेन फुतिला पास और वो सब क्रॉस करना है. सो जस्ट टू सी दैट विलेज, अभी मैं दिल तक नहीं जा रहा हूँ. तो मिलना करना था, आई डिड इट, आई एम हैप्पी. एक फ़ोटो वोटो खिंचाते, देन विल गो बैक. Umlingla, आई रीच्ड Umlingla, डन. अभी चलिए, और मैं दिमचौक नहीं जा रहा अभी. यहाँ पे जो आर्मी वाले हैं, जो सर जी है, उनको पूछा तो बोला वहाँ पे तो आपको शूटिंग भी नहीं करने देंगे, बिकॉज अदर साइड ऑफ द चाइना वहाँ पे शूटिंग भी नहीं करने देते. तो यहीं से आप वापस चले जाओ, क्यों मौसम कब बिगड़ेगा कोई पता नहीं. सो ब्रो वेलकम्स यू टू हाइस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड Umlingla, 19,024 feet, डन. चलिए अभी बहुत स्लो स्लो करके विल गो. ये लोग जब हमारी इंडियन आर्मी यहाँ पे दिसंबर जनवरी में रहती है तो यहाँ पे पूरा स्नो होता है, पूरा. इट इज़ ऑल कवर्ड विथ स्नो,
और आर्मी के ट्रक चेन लगा लगा के ये पूरा रास्ता चढ़ते। हो भाई साहब बहुत ठंडी है यहाँ पे, बहुत ठंडी यहाँ पे, आपको आके ही पता चलेगा यहाँ पे यहाँ की ठंड कैसी है। सही है सही है, मुझे लग नहीं रहा था आज सुबह तक कि मैं उंगलिंगला कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ द हेल्थ कंडीशन, बट फाइनली गणपति बप्पा मोरिया कर लिया, ऊपर वाले का आशीर्वाद मैंने कर लिया। ऑल राइट, आज रात को करेंगे स्टार गेजिंग आफ्टर आई रीच हानले, जो कल हो नहीं पाया था, टुनाइट विल डू इट। बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन ना के बराबर है। उमलिंगला से जब भी आप नीचे आओगे ना तो एक और टर्न जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा वो ब्रिज के वहाँ से, जब मैं जाते वक्त भी दिखा रहा था, वो जाता है नूरबुला टॉप। अभी यही जिन लोगों को ऑफ रोडिंग करनी है ना दे कैन गो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा अभी तक रोड ऐसा बना नहीं है, इट्स जस्ट दी उमलिंगला टॉप जहाँ तक रोड बना हुआ है प्रॉपर एंटी टूवर्ड स्लिप चौक, बट वो नूरबुला टॉप पे बना नहीं है। आई अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट गो विद दिस बाइक बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऑफ रोड है देन इट विल बी टू डिफिकल्ट, एंड द सेकेंड थिंग इज ये बाइक का जो पीछे का टायर है एज आई सेड ये पूरा स्ट्रीट टायर है, सो आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। कान काफ़ी बंद हो गया यार मेरे, सो डोंट काउंट मी, लेकिन जितना मुझे लग रहा है ना ये जो रोड दिख रहा है ना ये पूरा ऑफ रोडिंग पूरा मिट्टी वाला रास्ता है, विच इज़ गोइंग दिस वे देन दिस देन दिस देन दिस एकदम टॉप और बाद में वो ऊपर ऊपर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज नूरबुला टॉप, मैंने एक आध वीडियो में देखा था कि नूरबुला टॉप का रास्ता इज़ जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर रोड अभी तक बनाना नहीं है बट सम टाइम बन जाएगा। सो ये ऐसे रास्ते आई विल नॉट बी एबल टू डू विथ दिस पर्टिकुलर बाइक। चलिए ये पूरा ऑफ रोड है, सो पीपल हु एंजॉय ऑफ रोड उनके लिए ये हेवन है दिस रोड, ये पूरा ऊपर जा रहा है एंड देन इट विल गो टूवर्ड्स द टॉप, जो जहाँ पे चेक पोस्ट आता है वहाँ से 17 किलोमीटर है। सॉरी फॉर माई वॉइस बट आई एम गोइंग थ्रू अ बैड थ्रोट। ये देखिए ये जो मैं बोल रहा था आपको, सो आई हैव रीच चिशुमले, सो ये जो देख रहे हैं यहाँ पे सब कैफेज वगैरह है चिशुमले में, एंड ये जो आगे ब्रिज दिख रहा है ना यहाँ से लेफ्ट लेके इट स्टार्ट्स विद द नूरबुला टॉप। सो ये पूरा रोड ये थोड़ा सा टारमैक है उसके बाद पूरा ऑफ रोड निकल जाएगा, एंड यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत कैफेज वगैरह है वेयर पीपल आर वेटिंग स्टॉपिंग टू हैव सम लंच। 1:36 हो रहा है बट आई एम नॉट हंग्री सो आई विल डायरेक्टली मूव टूवर्ड्स हानले। तो ये है नूरबुला, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह, ये देखिए तो यहाँ पे कैफेज वगैरह है वेयर पीपल आर स्टॉपिंग और यहाँ पे बहुत सारे याक्स है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिज, ये देखिए ये जो रास्ता गया दिस इज फ्रॉम उमलिंगला एंड टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, और ये गया जुरसर 52 किलोमीटर देन नूरबुला टॉप 17 किलोमीटर विच इज टारमैक थोड़ा बाकी पूरा ऑफ रोड। सो हुएवर इज लाइकिंग टू डू ऑफ रोड तो नूरबुला टॉप इज अ प्लेस टू कम, क्योंकि इन फ्यूचर इधर भी टारमैक बन जाएगा। फोतिला था दैट इज द पास और उसके पहले जो गांव लगता है दैट इज फोतिले। अब हमको क्रॉस करना पड़ेगा एक और पास जो हम आते वक्त नहीं रुके थे दैट इज फोतिला विच इज 18,700 समथिंग फीट,
और क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यार, क्या जबरदस्त लग रहा है। एक बार कार लेके आना है ये पूरी रीजन में, खुद की कार लेके आनी है, तो उससे क्या होगा, ये हेलमेट बाइक ये सब संभालने की जरूरत नहीं है। वेर एवर आई वॉन्ट आई कैन जस्ट गेट डाउन एंड अच्छे अच्छे फोटोज खींच सकता हूँ मैं। कार लेके एक बार प्लान करेंगे आने का, ये पूरा 15-20 डेज का प्लान। लीजिए जी, हम पहुँच गए वही स्पॉट पे जो कि यहाँ से जा के चिशुमले और उमलिंगला जाता है, एंड यहाँ से जाएंगे हम हानले, वेयर वी विल क्रॉस द फोटिला पास। तो अगर आपको ये दिख रहा है, ये जो पूरा रोड रोड ऐसे ऊपर तक जा रहा है ना, वो ऊपर, दैट इज़ फोटिला। सो हमको ये पूरा पहाड़ एकदम टॉप तक चढ़ना है। सो ठंडी तो गजब की होने वाली है ऊपर, बिकॉज यहीं पर ठंडक है, वहाँ पर तो गजब की ठंडी होने वाली है। बट द गुड पार्ट इज़ 1:55 PM एंड धूप एकदम सर पे है, तो धूप की गर्मी मिल रही है एंड द स्काई इज़ क्लियर। थोड़े बहुत क्लाउड्स दिख रहे हैं बट दैट इज़ ओके। सो ये अभी शुरू करते हैं अपना जर्नी टूवर्ड्स हानले। वो जो आपको स्नो पीक माउंटेन दिख रहे हैं ना, समवेयर देयर वॉज उमलिंगला पास। वो वहाँ पे जो एकदम बर्फीले पहाड़ है, वहाँ पे कहीं पे लोकेटेड था उमलिंगला पास। वहाँ से हम अभी जा रहे हैं टूवर्ड्स हानले। दो इट मे बी 90-95 किलोमीटर जर्नी, बट काफ़ी टाइम लगता है ये पूरा जर्नी करने में, क्योंकि आप ज़्यादा स्पीड में चला नहीं सकते और एकदम कर्वी रोड्स है। हाउएवर द रोड कंडीशन इज़ वेरी गुड। हम चढ़ रहे हैं फोटिला, और ये देखिए यहाँ के नेटिव्स, ये लोग कहीं भी चढ़ जाते हैं, इनके लिए क्या हाइट कुछ नहीं, ये लोग कहीं भी चढ़ जाते हैं। क्यों डर रहे हो? डर रहे बेचारे। एंड फोटिला इज समवेयर एट द टॉप ऊपर, एंड वहाँ जो आप लेफ्ट में देख रहे हो, दैट वॉज उमलिंगला टॉप। सो वहाँ से आ रहे हैं हम यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे भरे पड़े हैं, यहाँ पे भरे पड़े हैं, ये लोग कहीं भी चढ़ जाएंगे, इनके लिए क्या पास ये कुछ नहीं। दे आर एक्लेमेटाइज्ड, द माउंटेन्स गेट एक्लेमेटाइज विद देम। ये लोग इतने रफ एंड टफ है। सो आई मेट दिस टू बाइकर्स हु आर अगेन गोइंग टू हानले। वो देखिए रास्ता कहाँ चढ़ रहा है, वो देखिए ऊपर, ऐसे 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 ऊपर। इतनी ऊंचाई हमने अभी तक कवर कर ली, एकदम नीचे थे वो, तो नीचे का रोड तो दिख भी नहीं रहा है अभी। एक्चुअली उमलिंगला की चढ़ाई काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू फोटिला। फोटिला इज़ मच मच टफर। ये पूरे ऐसे बेंडेड कर्व्स रोड है, और ये करीबन 40 किलोमीटर चलते हैं। उमलिंगला तो बस 18-20 किलोमीटर में ख़त्म हो जाता है। आई फाउंड दिस पास इज़ मोर टफर देन उमलिंगला। उमलिंगला वही कहीं पे है, वो जो पहाड़ों पे बर्फ गिरी है ना, वही कहीं पे उमलिंगला है। ओह माय गॉड, चलिए जल्दी से इस पास को कवर करते हैं, बिकॉज ठंड बहुत बढ़ गई है। हम पहुंच गए हैं एकदम टॉप, फोटिला पास के एकदम टॉप पे है। दिस इज समवेयर अराउंड 18,194 फीट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आगे चलते हैं। सो यहाँ पे भी मैं रुक नहीं रहा, बिकॉज इट इज़ टू मच कोल्ड। जो है वो आपके सामने है, एंड लिटरली दिस इज वे मोर टफर पास देन उमलिंगला। यस, 18,124 फीट फोटिला पास। एक पास आता है फोटिला, फोटिला पास आता है NH1 पे इन ले कारगिल हाईवे, और ये है फोटिला पास 18,124। ब्रो वेलकम्स टू द वर्ल्ड 6th हाईएस्ट मोटरेबल पास। चलिए, सो जाते वक्त भी ये पास आया था, बट आई डिडंट स्टॉप, आई जस्ट वेंट अहेड। बट नज़ारे बहुत खूबसूरत है, एंड लिटरली उमलिंगला इज़ अ इजियर वन देन दिस। दिस इज़ वे टफर। व्यूज कुछ इस प्रकार है, फोटिला टॉप से ये व्यू है, एटलीस्ट 170 डिग्री या 160 डिग्री का व्यू, इज सो अमेजिंग। हाँ, लद्दाख इज़ सो ब्यूटिफुल। और यहाँ पे नेटवर्क है, बाय द वे फोटिला टॉप पे यू विल गेट नेटवर्क। यहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क आ रहा है, एंड पिंग आना शुरू हो चुका है। सो हानले इज 25, और वो नीचे जो वैली दिख रही है ना, दैट इज़ समवेयर हानले इज सिचुएटेड। ये जो नीचे दिख रहा है वैली, दैट इज़ समवेयर हानले इज सिचुएटेड। चलिए जी, वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच हानले। हानले यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर है, और मैं अगर आपको दिखाऊँ, वो देखिए हानले का वो जो मोनेस्ट्री है, वो ऑलरेडी दिख रहा है। यहाँ पे मोनेस्ट्री है ऊपर, और ये हानले सिटी शुरू होता है।
बहुत ही एकदम वैली में बसा हुआ है पूरा शहर. द बाइक हैज परफॉर्म रियली वेल. सिर्फ इसका जो बैक टायर है ना, पीछे का टायर, दैट इज़ नॉट सो गुड. बहुत स्किड कर दिए बिकॉज इट्स अ स्ट्रीट टायर. बाकी सामने का जो टायर है दैट इज़ ऑल गुड. ये थोड़े बटन टाइप के टायर्स डाले हैं, सो दिस इज़ गुड. सो ये है मेरी रेंटेड बाइक एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल सिटी ऑफ हानले. ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए बहुत ही सही जगह है, और यहाँ से भी तो मुझे एकदम क्लियरली ऑब्जर्वेटरी दिख भी रहा है. आई एम नॉट श्योर कैमरा कितना दिखा पा रहा है, एकदम क्लियरली ऑब्जर्वेटरी दिख रहा है मुझे. और इर्द गिर्द 360 डिग्री सिर्फ एक पहाड़ खड़ा हुआ है और कुछ नहीं है इर्द गिर्द. बाकी जो सब ऊँचे ऊँचे पहाड़ है वो सब दूर दूर है, वैली है, वैली के बीचों बीच पहाड़ है. क्लियर व्यू ऑफ द हानले विलेज एंड ऑब्जर्वेटरी जो ऊपर है अभी तो एकदम क्लियरली दिख रहा है ऑब्जर्वेटरी. और इर्द गिर्द देखिए कोई पहाड़ नहीं है, सिर्फ वो एक ही पहाड़ खड़ा है. उधर पहुँच गए हम वही जगह जहाँ से हमने अपने जर्नी की शुरुआत की थी टू उमलिंगला. ले न्यूमा यहाँ से, कल मैं यहीं से आया था यही रूट से. यहाँ पे एक कैफ़े है काफ़ी फेमस है, सो रुकते कुछ खाते एंड फिर जाते हैं अपने रूम पे. वीडियो अभी तक ख़त्म नहीं है, आई ट्राई टू शूट सम स्टार लैप्स एट द नाइट. अगर कर पाया तो ठीक, नहीं कर पाया तो वीडियो उधर ही ख़त्म. यहाँ पे सारे बाइकर्स के स्टिकर्स लगे हुए हैं. ओके सो खाली मैगी खाई यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ ऑप्शन था रही अभी, बट डिनर एंड लंच ये सब का भी ऑप्शन रखते हैं एंड रूम्स भी अवेलेबल है ऐसा बोल तो रहे, बट आई एम नॉट श्योर ऑन दैट. सो अभी बज रहे हैं 3:59, सो 4 बज रहे हैं एंड आई मेट अ गाय हु इज़ राइडिंग दिस इज 650 ऑन द 650 CBR 650 आई गेस. सो ही इज़ राइडिंग होल इंडिया. सो द व्लॉग द चैनल नेम इज़ TMR व्लॉग्स द मैवरिक रोडस्टर. सो इफ यू वॉचिंग दिस देन यू कैन सब्सक्राइब टू हिज चैनल एज वेल. नाइस बाइक, ग्रेट बाइक. चलिए सो अभी चलते हैं रूम में. सो एज ऑफ नाउ आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो हियर. सो हानले जस्ट यहीं पर है. अगर कुछ दिखाने लायक मिला देन आई डेफिनेटली रात को स्टार गेजिंग करने का प्लान है मेरा. सो लेट्स सी कितना कर पाता हूँ. अगर वो हो गया तो ठीक, नहीं तो दिस विल बी द एंड ऑफ द वीडियो. चलिए बाय. So I reached my homestay.